हेलो जी, जय श्री श्याम, जय श्री राम। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। प्लीज़ गाइस, जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप लोग मेरे हर व्लॉग को इन्जॉय कर सकें। सो गाइस, आप कितनी अच्छी अच्छी जगह मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। आप ये देख रहे हो कितनी खूबसूरत जगह है। टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। ऑब्वियसली हम कश्मीर ही जा रहे हैं। कश्मीर में अब वही है ना कि इतने दूर आए हैं, वैष्णो देवी के दर्शन कर लिए। शिव खोड़ी पे तो हम खैर नहीं जा पाए, पर हमने सोचा कि जब इतनी दूर आए हैं और पहाड़ों के इलाके में हैं तो थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ तो नहीं आया जाता है। आप लोग भी समझते हो ना कि इतनी दूर आने के बाद फिर वापसी जाके, फिर वापसी से नई कश्मीर जाया जाता है। तो हमने सोचा कि जब आए हुए हैं तो साथ के साथ यहाँ भी घूम लेते हैं, जगह भी देख लेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर एक एक दिन की भी जगह आप लोग देख लोगे ना तो उसमें भी तसल्ली हो जाती है कि हाँ, हम लोगों ने ये जगह भी देखी है और ये जगह भी देखी है। सो गाइस, यहाँ पे देख रहे हो कितना सारा काम चल रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ है, यहाँ पे बहुत काम चल रहा है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ना शायद रोड चौड़ी होगी, जो आने और जाने वालों को ना दिक्कत नहीं होगी। फिर दूसरी बात यह है ना कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं जब आप लोगों को, जाहिर सी बात है, पता ही है कि पहाड़ी इलाका कैसा होता है कि अगर बारिश वगैरह आती है तो घिसक जाते हैं कुछ पत्थरों की वजह से ना पहाड़। कुछ मतलब बहुत क्या बोलते हैं उनको, वो सब ना मलबा वगैरह सब नीचे आ जाता है, तो उस वजह से सड़क जाम हो जाती है, बंद हो जाती है, तो काफ़ी टाइम तक परेशान होना पड़ता है। इसीलिए रोड चौड़ा हो जाएगा तो टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि ये रोड चौड़ा था, बहुत खूबसूरत रोड था और बहुत खाली था। मतलब मज़ा इतना आ रहा था कि एक साइड में तो आप लोग देख रहे हो कितनी खूबसूरत सी जगह, ओहो, कश्मीर की ठंडी ठंडी हवाओं की वादियाँ और ऊपर से ये चौड़े चौड़े रोड बहुत ही साफ़ सुथरे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। सो गाइस, हम कश्मीर पहुंच जाएंगे अभी कुछ टाइम पहले ही, मतलब थोड़ा टाइम बाद पहुंच जाएंगे। कुछ टाइम पहले नहीं, मैंने व्लॉग शुरू किया था क्योंकि मैं स्टार्टिंग में भूल गई थी वहाँ से आने के बाद। और हमारे दर्शन हो गए थे बहुत अच्छे से, बहुत मज़े से हमने दर्शन किए, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। पर जल्दी जल्दी दर्शन करवा रहे थे ना, इतना मज़ा भी नहीं आया क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी ना, तो चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही थी। ऊपर से वो लोग ना जल्दी जल्दी दर्शन करवा रहे थे। बाकी हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे, दर्शन करके नीचे आ गए थे। नीचे आने के बाद ना हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी कि मैं आप लोगों के साथ बातें करूं, शेयर करूं वीडियो या नए व्लॉग बनाऊं कुछ। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। हमने एक दिन का पूरा रेस्ट लिया था, एक दिन का पूरा रेस्ट लिया था, रात का भी पूरा रेस्ट था हमारा, तब जाके हमें चलने की कंडीशन हुई थी हमारी। नहीं तो हमारे हाथ पैर सब अकड़ गए थे, शरीर पूरा अकड़ गया था क्योंकि काफ़ी टाइम बाद इतना लंबा चले है ना, चलने की आदत नहीं है। इसलिए सरकार ने हर तरीके की फैसिलिटी कर रखी है। ये जो जगह है ना, ये मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इतनी ठंडी थी यहाँ पे, बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। पता नहीं क्यों ऐसा लगा ना, ये जैसे एसी नहीं चलता है, इस तरीके से बहुत ठंडी हवा लग रही थी। बाकी गाइस, ये जो छोटी सी आपको रोशनी दिख रही है ना, अब यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे और बस फिर पहुँच ही जाएंगे हम कश्मीर। बाकी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, व्लॉग अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे नए व्लॉग अभी और भी आने वाले हैं, 2-3 और व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, फिर रूटीन व्लॉग शेयर करूँगी और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मुझे और किस तरीके के आप लोगों को वीडियो दिखानी है या अपने बारे में कुछ बताना है, जो भी है अपनी फैमिली के बारे में, अपने बारे में। तो यहाँ पर ये देख रहे हो कितना सारा, बहुत सारा जाम लगा हुआ था। जाम ना एक रोड पे लगा हुआ था, दूसरे रोड पे नहीं लगा हुआ था। सो गाइस, यहाँ पे देख रहे हो ये जो सामने ग्रीन कलर का ये दिख रहा है ना आपको, ये है तो वैसे खेती का, पर ना आपको मैं आगे से दिखाऊंगी। इतना खूबसूरत लग रहा था ना जब हम यहाँ से जा रहे थे ना, और मैं इसे देख रही थी ना तो देखती रह गई थी, देखोगे तब खूबसूरत बहुत ही, मैं मतलब बता नहीं सकती आप लोगों को। अगर आप मेरी जगह होते ना, सच में आप खड़े हो गए देखते, फुटबॉल की तरह लग रहा था। सो वेलकम कश्मीर। तो कश्मीर में कश्मीर मार्ट है ये, मुझे नहीं पता, अगर कोई रहता हो तो बताना। बाकी हम कश्मीर पहुंच गए और उसके बाद हम करेंगे अब इंजॉय, क्योंकि हम 2 दिन के लिए रुकने वाले थे यहाँ पे।
2 दिन रुकने थे। हाँ, हम 2 दिन के लिए रुकने थे कश्मीर में, पर हम 2 की बजाय 4 दिन लग गए। हमें क्यों लग गए वो आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा। और ये देखिए लाइटिंग कितनी खूबसूरत लग रही है। अब हम यहाँ बोटिंग करेंगे, और उससे पहले हम सामने है ना बच्चों के लिए झूले थे, तो अभी वहाँ चलते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वीडियो, तो आप लोग वो भी इंजॉय कीजिए। यहाँ पे ये एक मतलब इधर ना बच्चों के झूले, बड़ों के झूले, और मतलब कपड़े वगैरह, ड्रेस वगैरह, जो भी मतलब सर्दियों के सारे चीज़ें मिल रही थी यहाँ पे, बर्तन वगैरह, बहुत सारी चीज़। एक होता है ना मेला टाइप्स, वो था ये। ये देखिए आपको सामने लिखा होगा ना, ये लिखा, तो गाइज़ यहाँ पे एंट्री करने के ना आपको 10 रुपये लगेंगे। आपको कुछ भी करना हो, एक्टिविटी, वो आप अंदर कर सकते हो, पर यहाँ से एंट्री लेने के लिए आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे। बाकी अगर आपको कुछ नहीं भी करना है तो भी 10 रुपये देने पड़ेंगे। तो हम 10 जने थे, तो हमारे 100 रुपये लगे थे, छोटे से बड़े तक के सबके। हाँ, 2-3 साल के बच्चे के नहीं लगेंगे, 3-4 साल तक के बच्चों के नहीं लगेंगे, और उसके बाद सब बच्चों के लगेंगे उसके ऊपर के। बाकी यहाँ पर है सब कुछ, आप लोग देख रहे हो किस तरीके से मेला लग रहा है। यहाँ पे निशान मनोरंजन रिंग है कि आप जिसके ऊपर जो फेंकोगे वो आपका। और ये बच्चों के झूले, बाइक्स, झूला। और यहाँ पे नायना बहुत जिद कर रही थी, पर ना यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई कि हम ना लेट पहुँचे थे। सुबह के निकले हुए हम लोग, रात को 10 बजे करीब पहुँचे थे। 10 बजे पहुँचने के बाद ना यहाँ पे सारे झूले वूले सब बंद कर दिए थे। बस ये एक दो चीज़ रह गई थी, एक दो एक्टिविटी रह गई थी जो जिसमें बच्चे ऐसे टाइम पास कर रहे थे। बाकी अगर किसी को आना है तो आप लोग ना थोड़ा टाइम से आइए, ताकि इन्जॉयमेंट आपका फुल हो सके। और 10 बजे से पहले पहले कोशिश करना कि आपको थोड़ा बहुत तो एक्टिविटी मिल ही जाए। बाकी यहाँ पे कपड़े वगैरह और फूड्स वगैरह की शॉप लग रही थी, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा शॉप वगैरह लग रही थी। और यहाँ पे सूट वगैरह, ड्रेसेस वगैरह, ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे ना गर्म कपड़े थे। कोई भी मतलब ऐसा नहीं था कि भाई गर्मियों के कपड़े थे, नहीं, सर्दियों के कपड़े थे, क्योंकि हम लोगों को पता है कश्मीर में ठंड रहती है, और इसी वजह से ही कश्मीर में ज़्यादातर गर्म कपड़ों की ही मैन सबसे ज़्यादा चीज़, कढ़ाई वगैरह, सूट, ये सब मिल रहे थे। मेरा मानना है कि आपको अगर ऐसी कोई चीज़ लेनी है यादगार के तौर पे अगर लेना है तो कुछ एक ले लीजिए, बट मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे पैसे नहीं वेस्ट करने चाहिए, क्योंकि वैसे तो भाई अपनी शॉप खोल के बैठे हैं तो इन्हें भी थोड़ा बहुत चाहिए है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, जब इतनी मेहनत करते हैं तो इन्हें थोड़ा बहुत तो मिलना भी चाहिए। पर मेरा मानना है ना इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ना सारी चीज़ें बहुत महंगी थी, और मुझे नहीं लगता हमें इतनी महंगी चीज़ें लेनी चाहिए। इतने में तो आप लोग अपने एरिए में से भी ले सकते हो, जो सूट आप अपने एरिए में से 500 रुपये तक का ले सकते हो, यहाँ 1500 रुपये, 1000 रुपये में मिल रहा था। तो यहाँ पर ना थोड़ी सी महंगी वेराइटी है, चीज़ों में फ़र्क होगा, क्योंकि कपड़े में तो सच में फ़र्क था। हल्के भी थे, हैवी में भी थे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लेते हो। जैकेट वगैरह, शॉल वगैरह, स्टॉल वगैरह सब कुछ था यहाँ पे, गर्म सूट वगैरह, लोअर टी शर्ट वगैरह सब कुछ था टोटली, बट ऑलमोस्ट सारे ही गर्म थे। गाइस, कुल मिला के ये बच्चों के हिसाब से, बड़ों के हिसाब से, मेले के अकॉर्डिंग बेस्ट था, मुझे अच्छा लगा, पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और ये हैं गोलगप्पे, यहाँ हमने गोलगप्पे खाए थे। गोलगप्पे भी बहुत महंगे थे यहाँ पे, हमने 250 रुपये के 10 पता नहीं 12 गोलगप्पे खाए थे शायद। सो गाइज, चलिए ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, और मैं मिलती हूँ आपको न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। बाय, जय माता दी।